सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट का सन 2019 का जो फॉर्म है उसमें एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बात करें प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक ऑप्शन होगा वहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग। इस समय सीटेट के करेक्शन की डेट चल रही है जो कि 10 तारीख तक जो है आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है कि ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग में वो 2017 बैच से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर उन्होंने 2020 जो है वो फिल कर दिया है, और जब वो एडिट के ऑप्शन में जा रहे हैं यानी कि 10 तक जो ऑप्शन है आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन जो है केवल और केवल 2020 ही शो हो रहा है। ऐसे में वो क्या करें, कैसे वो 2019 जो है वो कर सकें, क्योंकि 2017 बैच के लिए 2019 जो है यहाँ पर फिल किया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं आखिर ये प्रॉब्लम हुई कैसे। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर 2020 ही भरा था परंतु 2019 अपने आप भी हो गया, वो कैसे हुआ है, जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया होगा, जब डेट चल रही होगी उसके बाद, यदि फॉर्म फिल करने के बाद आपने फाइनल सबमिट से पहले उसमें यदि कोई एडिट किया है तो यहाँ पर 2019 जो आपने फिल किया होगा वो अपने आप ही 2020 जो है वो हो गया है। ये काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत आ रही है, तो इसका क्या है सॉल्यूशन इसको देखते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जब आप फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया था आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन, इस टाइप से दो ऑप्शन आए थे। आप जैसे कि डीएलएड कर रहे हैं तो आपका ये डिप्लोमा इन एजुकेशन पे टिक होगा, तो ये टिक आपने जो लगाया हुआ है आपको क्या करना है, इसी टिक को एक बार हटाना है, फिर दोबारा से जैसे ही आप इसको टिक लगाएंगे आपके पास सभी ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे इस प्रकार। जो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में आप देख रहे हैं 2019 लिखा है तो यहाँ पर 2020 भरा है तो केवल 2020 ही शो करता है, तो जब आप उस टिक को हटा के एक बार दोबारा से लगाएंगे तब आपके इस टाइप से ऑप्शन सभी ईयर के जो है वो खुल जाएंगे। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, वीडियो को उन तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है अपना करेक्शन जो है वो कर सकें, और आप भी अपना जो फॉर्म है फिलअप करने के बाद जो आपने फाइनल सेव किया होगा उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कल ही 10 तारीख जो है लास्ट डेट है इसमें करेक्शन करने की। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।